हर दिन नया कोई ना कोई टूल आ जाता है और हमारा दिमाग ख़राब कर देता है। और सारे YouTube में बंदे वीडियो बनाते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कुछ थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको बोलते हैं ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, कुछ बिना एक्सपीरियंस के जो मर्ज़ी समझ में आया बता दिया, और आप उनकी बातें को सुनते हैं। और सुनने के बाद क्या होता है भाई? एन्जाइटी होता है, रात को नींद आनी आती है, चैन न आए, नींद ना आए, ऐसा लगता है, टेंशन होता है, कभी कभी धड़कन तेज हो जाते हैं। ऐसे ही आपको सिम्टम आ सकता है जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन और एन्जाइटी में रहते हैं। अगर ज़्यादा सिम्टम आ रहा है आपको डॉक्टर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। ये रिसेंटली मेरे एक बच्चों कुछ बच्चों के साथ हुआ है, किसी का थोड़ा ज़्यादा सिम्टम था, किसी का कम सिम्टम था। तो आज के हम सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं? डेविल नहीं भाई, डेविन एआई के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैसे आपके लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, कैसे आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है, कैसे आपका लाइफ में जॉब्स का जो अपॉर्चुनिटी था उसको खा सकता है, वो ये चीज़ हम बात करने वाले हैं आज के हमारे सेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मान लो आप कतई कंफ्यूजन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, जी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कोई गाइड करना है बाला नहीं है जो मुझे बिल्कुल अपने भाई की तरह समझाए, अच्छे से बोले कि क्या मैं करूं अपना फ्यूचर बेटर हो, मैं हूं ना टेंशन में लेते हो। सो फॉर दिस आई हैव ए प्रोग्राम फॉर यू, दैट इज ऑनलाइन करियर काउंसलिंग, 1-to-1 सेशन, आप होंगे मैं हूंगा, आप अपने भाई बंधु पेरेंट्स को भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल करियर काउंसलिंग, सो दैट आप प्रॉपर पाथ को चूज कर पाए, तो इस प्रोग्राम को जरूर लीजिएगा। इसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है, एनरोल करने के लिए। इस प्रोग्राम का फीस जो है 1500 अभी नहीं है, 999 रुपीज़ है, सून 1500 हो जाएगा। और इसके साथ हम बहुत सारे कोर्सेज फ्री देते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, C++, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब का सक्सेस, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे हम कोर्सेज देते हैं इसके साथ फ्री में, जिसका वर्थ कितना होता है भाई साहब? 2500 रुपये का, विद डिस्काउंट 2500 रुपये का वर्थ होता है। और ये इसमें जो कोर्सेज मैंने डाला हुआ है, C++ छोड़ के बाकी कोर्सेज मैंने बनाया हुआ है, हर कोर्सेज से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सेपरेट कोर्स का फीस है 500 रुपया। 1000 बच्चे लगभग आ चुके हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, समझ रहे हैं? तो जल्दी जो ऑफर है इसका फायदा उठाइए, और लिंक है जाइए आप उसको एनरोल करिए, आफ्टर सेशन ये सारे कोर्सेज आपको हम फ्री दे देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेविन एआई से। ये किसने भाई साहब में दिया है? इसने दिया है कॉग्निशन में दिया है। कॉग्निशन बेसिकली कंपनी है जिसने बहुत अच्छे फंडिंग उठाया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने कितना फंडिंग उठाया हुआ है, 21 मिलियन इन्होंने सीरीज ए का फंडिंग उठाया हुआ है इन इन लोगों से। इनका इंडस्ट्री जो लीडर्स हैं उनका इनको बेसिकली सपोर्ट है, और 21 मिलियन का बेसिकली इनका फंडिंग आया हुआ है। ये क्या बोलते हैं कि हमने डिजाइन किया है वर्ल्ड का पहला फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर पाता है ये जो एआई टूल है कर लेगा। क्या ये सच में कर लेगा? क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की छुट्टी हो गया भाई? ये सच में होने वाला है क्या? क्या मेरा प्लेसमेंट होगा? ये सवाल और आपके दिमाग में ज़्यादा भी चिपकता है, बिकॉज आप किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट का कंपैरिजन करते हैं, जमीन आसमान का फर्क पड़ा है 2 साल में कोविड के बाद। प्रिसाइजली लोगों की नौकरी जा रहा है, बहुत सारे बच्चों का जॉब लग चुका था लास्ट ईयर बट उनको ज्वाइनिंग डेट नहीं मिला, अभी भी वो वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग दे दो कंपनी वाला, नो रिप्लाई, नो कमेंट प्लीज। ये सिचुएशन वही बंदा समझ सकता है कितना प्रॉब्लम आता है सिचुएशन में, कितना प्रेशर झेलने पड़ता है जिसको, जो इस सिचुएशन में रहा है वही समझ सकता है। तो जब ऐसा सिचुएशन है, जॉब लग चुका है आपका, ज्वाइनिंग डेट नहीं आ रहा है, और ऐसे ऐसे आपके पास
वीडियोज़ आते हैं तो आप बहुत क्यूरियस फील करते हैं, आपको बहुत टेंस होता है, टेंशन वाला क्रियस क्यूरियसिटी आता है, स्ट्रेस वाला, क्या पता इसके वजह से मेरे को नौकरी ना मिले, ऐसा हो सकता है। आए दिन कोई ना कोई टूल आता रहता है, लास्ट ईयर से चैट जीपीटी, ये टूल वो टूल, पता नहीं क्या क्या टूल आ रहा है। अब कई बोलते हैं भाई एंकर की भी छुट्टी कर दिया हमने, न्यूज़ एंकर का, टीचर्स की छुट्टी कर देंगे, सब कुछ ऑनलाइन एआई कर देगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नौकरी तो भाई साहब 100% सेफ है, कहीं नहीं जाता। हर साल 10% इंक्रीमेंट 15% इंक्रीमेंट मैं लूंगा ही, कहीं नहीं जाता। ये क्यों बता रहा हूँ, कोई भी एआई आ जाए मेरा जॉब नहीं खा सकता, दैट इज फॉर श्योर। खाई यूट्यूब पर पूछो, पता है क्यों? एक्सपीरियंस। आप फ्रेशर हैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा है, या फिर कम एक्सपीरियंस लिए बहुत ज़्यादा टेंस हो रहा है। एक बंदे का एक्सपीरियंस है इसलिए उसको इतना टेंशन नहीं है, बट हमें टाइम के साथ साथ जो चेंजेस मार्केट में हो रहा है उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को भी चेंज करना चाहिए। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से हैं तो भाई आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको ऐसे जॉब प्रोफाइल में जाना पड़ेगा जिसका एआई वाले इतना अच्छा समाधान ढूंढ नहीं सकते, जैसे क्रिएटिविटी थिंकिंग वाला प्रोफाइल। जितने भी जगह पर क्रिएटिव थिंकिंग लगता है, जितने भी जगह पर रियल भाई साहब एफर्ट लगता है, उन जगह को एआई भाई खा ही नहीं सकता। कई बोलेंगे नहीं सर खा जाएगा, कितना परसेंट इम्पैक्ट करेगा ये बताओ, 20% मैक्सिमम। और ये जो टूल्स बन रहा है इनके पीछे बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो वो भी जॉब्स तो क्रिएट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं ये जॉब्स मार्केट को पिछले 7-8 साल से अच्छे से क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। अगर 2020 की बात करूँ, एआई का जॉब्स ना के बराबर था, हंड्रेड्स में थे। अभी 20,000 लिस्टेड जॉब्स हैं लिंक्डइन पर, 20,000+। पता है क्यों? बिकॉज इनके डिमांड बहुत हाई हो रहे हैं, मशीन लर्निंग जॉब्स के डिमांड बहुत हाई हो रहे हैं। 20 लाख पर मंथ का जॉब मिल रहा है जिनको ठीक ठाक इंटरमीडिएट का नॉलेज है, जो फ्रेशर है, अच्छा स्किल रखता है, 10 लाख का उसका जॉब लग रहा है, मशीन लर्निंग इंजीनियर का जॉब। तो भाई आप दो, आपके पास ऑप्शन है, या तो टेंशन लो AI के चक्कर में, या तो अपने आप को अपग्रेड करो, चॉइस इज योर्स। टेंशन लोगे भैया आपका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, जो चाहिए मार्केट को, मार्केट को जो नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करेंगे तो भाई अब बहुत कुछ मिल सकता है। सो फोकस ऑन पार्ट बी, जो मैंने बोला मार्केट का नीड के हिसाब से आपको तैयार करिए, जॉब तो ऐसे लग जाएगा यार, सच बता रहा हूँ। हम बहुत सारे जॉब्स निकालते हैं, 100-150 एप्लीकेशन हमारे पास आता है जिसमें सिर्फ एक कैंडिडेट को हम पसंद करते हैं और रखते हैं। पता है क्यों? बिकॉज 70% बंदों को पता ही नहीं है जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है। कई लिखते हैं, मैसेज करते हैं, हेलो सर आई एम टू अप्लाई फॉर जॉब, जबकि सख्त इंस्ट्रक्शन रहता है कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। जब ऐसे कोई अप्लाई करेगा, कई तो भाई साहब जब बोलते हैं कि भाई व्हाट्सएप पर आप रिज्यूम दीजिए, वो बार बार कॉल करते रहते हैं। भाई क्या है, बंदे के काम हो सकता है, मीटिंग में हो सकता है। तो प्रोफेशनल पढ़ाई करने से कोई प्रोफेशनल बनता नहीं है, आपको प्रोफेशनल एक थिंकिंग अपने अंदर बिल्ड करना होगा कि मैं प्रोफेशनल बनता हूँ। कईयों को देखता हूँ जो बीटेक करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, बीटेक, एमबीए, एमसीए, ये सारे प्रोफेशनल कोर्स है, एमबीबीएस, तो कहीं रहते हैं रेंट लें तो बोलते हैं बैचलर को हम रूम नहीं देंगे। क्यों? ये उड़पटांग काम करते हैं, सफाई रखते रहते नहीं है, बदबू आता रहता है उसमें, पता नहीं क्या करते रहते हैं। भाई पहले रहन सहन सीख लो यार, जॉब तो मिल ही जाएगा। सो प्रॉब्लम क्या है भाई? प्रॉब्लम ये है, आप सिर्फ डिग्री मत करो, डिग्री इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, बट जिस चीज़ की डिग्री कर रहे हैं आप अपने आपको अपग्रेड करो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको देख के कोई बोले डेफिनेटली इस बंदे में कुछ दम है, वो आपके फेस पर ऑरा आता है अगर आप सही एफर्ट डालोगे तो, अगर सही जगह पर एफर्ट डालते हैं वो ऑरा आ जाएगा, मेहनत करोगे तो वो कॉन्फिडेंस अंदर आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस कब होता है? जब या तो हम बच्चे हैं, छोटे बच्चे 9-10 क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर हम कुछ करते नहीं है, बस हवाई बातें करते हैं। कॉन्फिडेंस कब आता है बढ़िया वाला? जब आप एफर्ट डालते हैं तो आप फील करते हैं, नहीं भाई मैं, मेरे अंदर है एबिलिटी उस काम को करने के लिए। तो अब हम जानेंगे
कि भाई जो कॉग्निशन ने बनाया है डेविन फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये करता क्या है बेसिकली, इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा क्लेम नहीं है, जिसने बनाया है वही बता रहे हैं। तो क्या करता है डेविन, कैन लर्न हाउ टू यूज अनफेमिलियर टेक्नोलॉजीज, जो भी अनफेमिलियर टेक्नोलॉजीज है खुद खुद सीख सकता है। जैसे मैंने बोला कि आफ्टर रीडिंग ए ब्लॉग पोस्ट, और ब्लॉग पोस्ट को रीड कर सकता है। ओके जी, डेविन कैन बिल्ड एंड डिप्लॉय एप्स एंड टू एंड, ऐसा कर सकता है। ओके जी, डेविन कैन ऑटोनोमसली फाइंड एंड फिक्स बग्स इन कोड बेसिस, मतलब ये आपके कोड में कोई प्रॉब्लम है उसको फाइंड कर सकता है और ठीक भी कर सकता है। ओके, डेविन कैन ट्रेन एंड फाइन ट्यून इट्स ओन एआई मॉडल्स, मतलब अपने एआई मॉडल्स को भी वो क्या कर सकता है बेसिकली, जो उसके अंदर मॉडल्स हैं उसको भी वो सही कर सकता है। ओके, डेविन कैन एड्रेस बग्स एंड फीचर रिक्वेस्ट इन ओपन सोर्स रिपोजिटरीज, मतलब क्या है, जो भी आपके पास जैसे मान लो गिटहब है, उसके बाद जितने भी चीज़ें हैं, तो डेविन खुद वो सेटअप कर सकता है। ओके, डेविन कैन कंट्रीब्यूट टू मैच्योर प्रोडक्शन रिपोजिटरीज, मतलब क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्शन में काम होता है बेसिकली, उसमें भी ये हमें हेल्प कर सकता है। ओके, वी हैव ट्राइड गिविंग डेविन रियल जॉब्स ऑन अपवर्क एंड इट कुड डू दोज जॉब टू, मतलब क्या है, वो मान लो कोई भी जॉब आता है आपका फ्रीलांसिंग जॉब, तो डेविन वो इजीली करके दे सकता है। तो भाई फ्रीलांसर वाले कहाँ जाएंगे, जॉब उन्हें चला जाए क्या? और ये कहना है जितने भी हमारे पास बेसिकली एआई टूल्स हैं, एआई मॉडल्स हैं, तो ये डेविन बहुत अच्छा बेसिकली दे रहा है रिजल्ट एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितने परसेंट रिजल्ट दे रहा है, देखो डेविन करेक्टली रिजॉल्व 13.86% ऑफ द इशूज एंड टू एंड, फॉर एक्सेस इन द प्रीवियस स्टेट आर्ट इतना, उसके बाद कितने परसेंट भाई साहब रिजॉल्व कर पाता है, 13.86%, उसमें भी स्टार लगा दिया है, देख रहे हो, डेविन कैन करेक्टली रिजॉल्व 13.86% इशूज ऑफ द इशूज एंड टू एंड। कोई बंदा पास करता है कितने मार्क्स चाहिए भाई उसको, अगर मैं इसको सही समझ पा रहा हूं तो, आप अगर सही समझ पा रहे हैं तो 30% 33% पासिंग मार्क्स चाहिए होता है स्कूल लेवल में, कॉलेज में 40%, यहां पर कितना है भाई साहब, ये 14% भी रिजॉल्व नहीं कर पाता है एंड टू एंड इशूज को, और इसी का हवा बना रखा है आप लोगों ने। मैंने इसलिए वीडियो बनाया नहीं था बिकॉज ये जो आप टूल्स देख रहे हैं ना, चैट जीपीटी वगैरह, ये पहले ओपन सोर्स नहीं थे, मतलब फ्री में यूज नहीं कर पाते थे भाई, 5 साल से देख रहा हूं मैं, 5 साल ज्यादा हो गया, 7 साल हम देते थे उसको आर्टिकल लिखने के लिए, वो अपने आप आर्टिकल हमारे को लीक कर देता था। उसका मैंने प्रमोशन भी किया है डिफरेंट वे में, यूट्यूब पर नहीं करता हूँ उसका प्रमोशन, ब्लॉगिंग मैं करता था पहले बहुत अच्छी तरीके से, अब मेरे ब्लॉग से बट इतना काम नहीं करता बिकॉज टाइम कम लग मेरे पास है अभी वो सब काम करने के लिए। तो इनके चक्कर में मत पड़ो भाई, किसके चक्कर में पड़ना है, अपने आप को बेटर करने के चक्कर में पड़ना है, That will help you a lot. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब, आई टी जॉब कहीं नहीं जाता, रहेगा, और इनोवेशन उसमें आएगा डेफिनेटली, कुछ जॉब्स पर इम्पैक्ट करेगा, कितना इम्पैक्ट करेगा ये देख लो, 15% 14% 20% वट अबाउट 80%, उनको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगा, वो इसके वजह से नहीं आएगा, दो वजह से आएगा, एक मार्केट और एक डिमांड सप्लाई। अभी आप कॉलेज में जाएंगे, जैसे एक कॉलेज है मेरे पास, बहुत बड़ा कॉलेज है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 3000 बच्चे हैं सीएससी के, समझ लो कितना बड़ा कॉलेज होगा, बिल्डिंग बना रहे हो, मैंने बोला 5 साल बाद खाली रहेगा भाई, क्यों, बिकॉज सिमिलर सिचुएशन था मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, सिविल का 2015 के आसपास, भर भर के बच्चे पढ़ रहे थे वही कॉलेज में, मैकेनिकल में 600-800 बच्चा था, अब कितना है, फोर्थ की बात करोगे 100, वही कॉलेज में सिविल में 500-600 बच्चा था, अभी फोर्थ ईयर में कितने बच्चे होंगे, 70-80, और फर्स्ट ईयर में 20-30। इसलिए जो बच्चा अभी एमटेक कर रहा है ना, कॉलेज में पढ़ाने मत चला जाना बीटेक कॉलेज में, भैया फंस जाओगे, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, कुछ भी हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग गो फॉर पीएचडी, पोस्ट डॉक लीजिए और सरकारी कॉलेज में अप्लाई करिए, प्राइवेट में भाई साहब दिक्कत आएगा आपको, हाँ पीएचडी पर जाओगे तो प्रिंसिपल का पोस्ट मिल जाएगा, यहाँ नहीं बना तो कहीं और सैलरी मिल जाएगा 1,00,000 रुपये का, दैट विल हेल्प यू। तो कहानी समझ में आया आप कुछ क्या बोला, तो ये जो हवा बना रखा ना, एआई आपका जॉब खा रहा है, एआई आपका जॉब खा रहा है, चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो।
डिमांड सर्कल जो बताया मैंने भाई, जो देख के दूसरों को एडमिशन ले रहा है और काम भी नहीं कर रहा है उसको प्रॉब्लम तो आएगा, वो सिर्फ सीएससी के नहीं किसी फील्ड में आएगा यार, वो सीएससी फील्ड क्यों बदनाम करते हो। ठीक है जी, तो इतना ही था। काउंसलिंग चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाइए और एनरोल करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।